أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم مهدرم هازلين گرامی خواتين ملت سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمين کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمين نے इस बाबरकत मजलिस में हम लोगों को इकट्ठे होकर कुछ कहने कुछ सुनने की तौफीक नसीब फरमाई हजरीन दीन की बातें सुनना जानना ऐसी मजलिसों में शिरकत यकीनन अल्लाह रबालमीन की तोफीक ही से हो सकता है वरना हजारों लोग हैं जिनका इरादा भी हुआ था कुछ बातें सुने कुछ बातें कहें लेकिन अल्लाह आलमीन ने बहुत सारी वजूहत की बुनियाद पर उन्हें रोक दिया अहम चीज़ तौफीक होती है अल्लाह आलमीन की अल्लाह आलमीन ने हमें तौफीक दी जिस पर अल्लाह आलमीन का हम बेइंतहा शुक्र मानते हैं अल्लाह आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं हज़रीन उसके बाद हम शुक्र अदा करते हैं इंतज़ाम करने वालों का भी यानी मस्जिद रहमानी के मुंतज़मीन और इसी इसी तरह बेंगलुरू दुरुस के जो भी नौजवान हैं अहबाब हैं उन सब का शुक्र अदा करते हैं कि हमें मौका फराहम किया कि हम कुछ कहें और कुछ सुने हाजरीन इसके बाद मैंने खुदब मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत और एक हदीस पढ़ी है जो कि मेरे मौजू से मुतल है और मेरा मौजू है मामलात की अहमियत हाजिर हम जानते हैं कि इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है इस्लाम ऐसा दीन है जो 1400 सौ साल पहले आया हुआ था और क़ियामत तक बाकी रहेगा और अल्लाह रब्लम ने इस्लाम के जो कवानी बनाए वो कवानी 1400 साल पहले लोगों के लिए भी थे और क़्यामत तक आने वाले लोगों के लिए भी होंगे इसलिए ये कवानी बनाने वाला वो रब है जो पिछले की सारी बातें जानता है और आने वाली सारे मामल को जानता है इसी वजह से अल्लाह आलमीन के कवानीन के अंदर कोई रद्द बदल नहीं कोई तब्दीली नहीं चाहे ज़माना कौन सा भी हो चाहे वक्त कौन सा भी हो हर हर जमाने के लिहाज से और हर वक्त के लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन के कवान बराबर होते हैं ये दुनिया वाले होते हैं जो कुछ कवानी बनाते हैं चंद गुजर चंद दिन गुजर जाते हैं उसके बाद के आने वाले लोग समझते हैं ये कवानी पिछले लोगों के लिए थे अब इन कवानी की कोई ज़रूरत नहीं लिहाजा उसके अंदर तब्दील कर दिया जाता है वो कवानी बदल दिए जाते हैं नए कवानी ला लिए जाते हैं लेकिन इस्लाम का वो मामला नहीं है इस्लाम के कवानी अल्लाह ने बनाए हैं जो कि अल्लाह रब्लम हर बारीक से बारीक चीज़ को जानने वाला है लिहाजा अल्लाह रब्लम ने क़ियामत तक आने वालों आने वाले लोगों के लिए वो कवानी पहले ही से बना दिए हाजरीन मेरे बताने का मकसद ये है कि शरीत इस्लाम़िया एक मुकम्मल और कामिल दीन है जिसके अंदर कोई नक्स नहीं कोई कमी नहीं और कोई कमी की गुंजाइश भी नहीं हज़रीन अगर हम लोग शरियत इस्लामिया को देखें तो आम तौर से शरीय इस्लामिया को पांच हिस्सों में बांटा गया है पांच हिस्सों में बांटा गया है एक अकाइद हैं दूसरे इबादात हैं तीसरे मामलात हैं चौथे मुआशरत हैं और पाँच पाँचवें नंबर पर अखलाकियात हैं ये पांच चीज़ें मिलकर इस्लाम की एक मुकम्मल सुकुत मुकम्मल इमारत बनी हुई है मुकम्मल इमारत बनी हुई है और इन पांचों चीजों का एक ख़ास अहमियत है पांचों चीजों की ख़ास अहमियत है सब अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल है और यूं देखा जाए तो अहले इल्म ने इनको दो अलग बुनियादी हिस्सों में भी बांट दिया है जिसको हम लोग हकूक और हकूक अबाद से भी तशरीह करते हैं तो हाजिरीन आज का मेरा मौजू इन पांचों चीज़ों में से एक चीज़ मामलत का है अगर दीगर अल्फाज में कहा जाए तो ये मामलों के तल्ल से हक़ूक़लबाद के तल्ल से जो तीनों चीज़ें आ जाती हैं मुआशरत, मुआमलात और अखलाकियात सब इसमें शामिल भी हो जाते हैं तो इन हम इसी पर कुछ गुफ्तु करेंगे और कुछ बातें सुनने और कहने की कोशिश करेंगे कुरान और अदीस की रोशनी में हाजरीन अल्लाह आलमीन ने शरीयत इस्लामिया को और अपने मानने वालों को एक ऐसी राह एक ऐसा रास्ता दे दिया है जिस रास्ते पर अगर वो चलते हैं तो वो कभी गुमराह नहीं होंगे अगर अल्लाह आलमीन का दिया हुआ शरीयत इस्लामिया का दिया हुआ ये रास्ता अगर वो लोग छोड़ देते हैं तो फिर गुमराह हो जाते हैं चाहे किसी भी मामले में क्यों ना हो चाहे वो इबादत में क्यों ना हो चाहे वह अकायद में क्यों ना हो चाहे वह मामलत में क्यों ना हो यह इसलिए कहना पड़ता है कि लोग जो है इबादत के अंदर तो फूंक-फूंक कर कदम रखते हैं इबादत के अंदर पूरे खरे नजर आते हैं इबादत के अंदर पूरी कोशिश की जाती है कि उनकी इबादतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे हों यानी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग कुरान व हदीस की इतबा करते हैं जो कुरान व हदीस को अपना आइडियल मानते हैं वो लोग इबादत के अंदर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन मामलत के अंदर अगर देखा जाए बिल्कुल सेफर नज़र आते हैं कितने नमाजी होंगे हमारे पास ऐसे जो मस्जिदों में तो बड़े नमाजी हैं पहली सफ़ में नज़र आते हैं उनकी, उनकी इबादतें भी बड़े अखलास पर मुश्तमल हैं लेकिन घर के अंदर जाओ तो उनके साथ बीवी के साथ उनके मामला सही नहीं बच्चों के साथ उनके मामला सही नहीं कारोबार पे जाओ दुकान में जाओ ग्राहकों के साथ उनके मामलत सही नहीं लेन-देन में वो सही नहीं कर्ज़ ले रखा है कर्ज़ देने के मामला वापसी के मामल में वो सही नहीं कितने ऐसे मामल हैं जिसके अंदर वो सैफ़र नज़र आते हैं अजरीन हम को जहाँ इबादत की तरफ तोज्जो देनी है बिल्कुल वही हमें मुआमलात की तरफ भी पूरी तवज्जो देनी है इसलिए कि बसा अवकात ऐसा होता है कि ये हमारी इबादतें जो हैं वो मुआमलात की वजह से रद्द हो जाती हैं काबिल कबूल नहीं होती वो कबूल नहीं होती अल्लाह रब्लम की बारगाह में हमने हदीस सुनी हमने हदीस सुनी एक शख्स अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया एक तवील सफर से आता है एक लंबे सफर से आता है उसके बाल परागंदा हैं, परेशान हाल है अपने दोनों हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में उठा देता है अल्लाह से मांगता है वो दुआएं करता है अल्लाह से गिड़ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसका खाना हराम का है उसका पीना हराम का है उसका पहनना हराम का है यानी कमाने का मामला उसका जो है वो सही नहीं है उसका पहनने का लिबास सही नहीं है अल्लाह के नबी वसल्लम कहते हैं अन्ना युस्तजाब कहाँ से उसकी दुआएं कबूल की जाती हैं? दुआ हम लोग जानते हैं कि इबादत है अल्लाह ताला की इबा, एक इबादतों में से एक मगज है वो इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुआ ही इबादत है दुआ इबादत का असल है यानी इतनी बड़ी इबादत इंसान के मामलात सही नहीं होने की वजह से रद्द कर दी जा रही है कबूल नहीं हो रही है दोनों बहम लाजि मलजूम है का सही होना और इबादत का सही होना तो हाजरीन अल्लाह के नबी वसल्लम ने हमें कहा कि अला बैदा। मैं तुम लोगों को एक रोशन क्लियर शाहराह पर छोड़े जा रहा हूँ शाहराह पे छोड़े जा रहा हूँ इस राह से हटने वाला वही इंसान होगा जो हिलाकत में पढ़ने वाला होगा वो जो हिलाकर और बर्बाद होगा तो हाजरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हमें इबादत सीखा है जहाँ हमें अक़ाइद सिखा है वहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शरीयत ने अल्लाह ने न, 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 न। हमें मामलत भी सिखाए हैं है कि हमारे मामलों दूसरों के साथ कैसे होनी चाहिए हमारा कर्ज़ देने और लेने वाला मामला हमारा तिजारत करने वाला मामला खरीदो फरोख्त वाला मामला और इसी तरह हमारा रहन वाला मुआमला, एक दूसरे से मिलने मिलाने वाला मुआमला, ये सारे तभी तो अल्लाह के नबी सकुन बेगा तुम्हें एक वाजहे और एक खिलर और बिल्कुल रोशन शाह राह पे छोड़े जा रहा हूँ उस पे कायम रहोगे कभी हिलाक नहीं होगे उस पर बाकी रहोगे तुम ना दुनिया में बर्बाद होगे ना आखिरत में बर्बाद होगे उससे हटोगे तो तुम्हारी दुनिया भी गई और तुम्हारी आखिरत भी गई दोनों तुम्हारे तबाह व बर्बाद हो जाएंगे तो हाज्रीन मामलात लेन देन पहले हम लोग जो हमने पहले सुना कि इस्लाम को पांच हिस्सों में बांटा गया है उसमें से एक मामलात भी है तो उस मामला के अंदर क्या चीजें आती हैं? मामला के अंदर लेन देन का मसला आता है मामलात के अंदर

उसका सब अगर मुताला किया जाए तो उसकी खास कुछ बुनियादें हैं उन बुनियादों के बेस पर ही उन बुनियादों पर ही ये सारे अहकाम बयान किए गए हैं कि हम का लेन देन मामला कैसे होनी चाहिए इन बुनियादों को सुनेंगे उन अहम बातों को हम लोग सुनेंगे उसके बाद फिर हम हमने जो दूसरी मरतबा इस्लाम को और लोगों ने दो हिस्सों में जो तकसीम किया और हकूक इबाद वक् रहा वक्त रहा तो हम लोग हक़ूक इबाद के तल्ल से भी कुछ सुनेंगे कि शरीय ने हकूक इबादात के तल्ल से हमें क्या तलीमत दिए हैं जिरी ये जो मुआमलात हैं इन मुआमलात को चंद शर्तों पर चंद असलों पर चंद बुनियादों पर रखा गया है उन्हीं बुनियादों में से सहल, सबसे पहली बुनियाद है इंसान की बाह रजामंदी रदामंदी लेन देन के मामलात में कुछ भी जो भी इंसान के मुआमलात खरीदो फरोख्त में रहन में कर्ज वगैरह में किसी भी मामले में क्यों ना हो फ्रीन चूंकि मामला सिर्फ एक इंसान से नहीं होते हैं इंसान दोनों यानी इंसान एक माशरे के अंदर रहता है इंसान का उठना बैठना लोगों में होता है तो यकीनन इंसानों का एक दूसरे से मिलना जुलना बाहमी मुलाकातें किसी से कुछ लेना किसी को कुछ देना किसी से ख़रीदना ये तो होता ही रहता है मामला का होना ज़रूरी है मामला के बगैर एक माशर बनता ही नहीं है जहाँ माशरा है वहाँ मामला ज़रूरी हैं तो उन के अंदर जब दो लोग आपस में एक दूसरे से कोई मामला करते हैं कोई अहद व मुआहदा करते हैं तो उसके अंदर एक बुनियादी जो शर्त होती है उन दोनों की रजामंदी ज़रूरी होती है दोनों की रजामंदी जरूरी होती है इस त्लुक से कुरान करीम में अल्लाह अल्लाबी ने कहा या यहूहु लात कुलू अम बेमात ए ईमान वालों तुम लोग आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ बातिल तरीक़े से मत खाओ अगर बातिल तरीक़ा क्या है इसके ऊपर तशरीह की जाए बयान किया जाए तो हर वो तरीका बातिल है जिसको शरीय ने ममनू करार दिया है चाहे वह वो चोरी हो चाहे वो किसी का माल हड़पना क्यों ना हो चाहे वो रिश्वत खोरी क्यों ना हो चाहे वो कई मामलात आ जाते हैं कई चीज़ें आते आ जाती हैं जिसको शरीयत ने हमें मना कर रखा है रोक रखा है ये सारी चीज़ें बातिल तरीक़े से आती हैं तो अल्लाह के अल्लाह आलमीन ने पुराने करीम में आगे कहा कि अंतकून तिजार सिवाय तुम जो माल एक दूसरे के खाते हो तजारत का जरिया से हो सकता है तिजारत से हो सकता है और तिजारत भी कैसे हो अंतरादिम दिन खुम वो भी तुम्हारी आपसी रजामंदी के साथ होना चाहिए रजामंदी के साथ होना चाहिए तो ये लेन देन के मामला में एक अहम बुनियादी जो मसला है वो ये कि इंसान जो भी अपने मामल करता हो वो आपसी रजामंदी ज़रूरी है अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स का माल ले लेता है लेने वाला तो राजी होगा ही इसलिए कि उसको तो माल मिल रहा है लेकिन जो जिसका माल लिया जा रहा है उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है उसकी रजामंदी भी जरूरी है, है। यकीनन चोरी के अंदर ऐसा नहीं होता चोर तो अपनी रजामंदी से माल ले लेता है लेकिन जिसका माल चोरी हो रहा हो उसकी कहाँ रज़ामंदी होती है रिश्वत में कहाँ होता है ऐसा ये सारी चीज़ें नाजायज़ और हराम होंगी इसलिए कि इसके अंदर दूसरों की और सामने वाले की रजामंदी नहीं है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया फ़रोख्त करने का मुआहदा जब होगा लेन देन का जब मसला होगा एक आदमी सेल कर रहा है दूसरा खरीद रहा है तो उसके अंदर बाहमी दोनों चीज़ों दोनों अशखास की रजामंदी ज़रूरी है सुन इब्ने माजा की रिवायत इसके अंदर अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि दोनों की रज़ामंदी होना ज़रूरी है दोनों राज़ी होंगे तभी जाकर वो बै बै होगी, वो लेन देन लेन देन होगा वो तिजारत तिजारत होगी अगर एक आदमी की रजामंदी नहीं है तो वो तिजारत नहीं है शरीयत के अतबार से शरीयत के अतबार से वो तिजारत नहीं है लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब भी मामलात करें तो उसमें इस बात का ख्याल जरूर रखें इस बात का ख्याल रख रक, जरूर रखें कि दोनों की रजामंदी का होना जरूरी है दोनों का रजामंदी का होना बेहद जरूरी है आज कितने मामलात हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग बड़े ना नमाजी भी होते हैं सब कुछ हमारे इबादत के ताल्लुक से बड़े अच्छे बड़े खरे हम लोग नज़र आते हैं लेकिन मामला में हम लोग देखते हैं कि हम राजी तो हैं दूसरे के माल खाने के लेकिन दूसरे कहाँ हैं राजी दूसरे राजी नहीं हैं फिर भी हम हड़प कर जाते हैं हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है अजीन दूसरी बुनियादी चीज़ दूसरी बुनियाद और दूसरी असल जो लेन देन के अंदर अहले इल्म ने नुकते के तौर पर निकाली है अहदादी से और बयान किया है वो है कि किमार और मैसर वगैरह की ममानियात हाजरीन जुआ और ये नाजायज़ कमाइयों के जो असबाब हैं उसमें से दो चीज़ें हैं जुआ के ये दो शक्लें हैं किमार और मैसर जिसको कुरान करीम ने मना किया है सख्ती से कुरान करीम ने सख्ती से मना किया है

मार में दाखिल होती हैं मेहनत ही नहीं इंसान की उसके लिए उसने अपना माल खर्च नहीं किया अपना वक्त नहीं दिया अपनी मेहनत नहीं की कुछ ही नहीं की बैठे बैठाए पैसा उसको ऐसे ही मिल जा रहा है ऐसे ही उसको आ जा रहा है इसमें दूसरों का नुकसान भी हो रहा है दूसरों का हक मारा जा रहा है दूसरों का हक मारकर इसको जो है मिल जा रहा है तो इसको जो है कहा जाता है किमार और इसी तरह ये भी जुआ की किस्म है जिसके अंदर खेला जाता है और एक इंसान का माल बिल्कुल किस्मत उसकी होती है किस्मत की वजह से इसका माल इसके इसके हिस्से में आ जाता है ये सारी चीजें शरीयत में हराम कर रखी है शरीयत में मना कर रखा है जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कहा या अय्युहल यहूह आमनु ईमान वालो इन ख़ाम शैतान फ़जत नबो फ़जत नबू अल्लाह रबालमिन ने कहा ए ई ई ई ई ईमान वालो यकीनन ये शराब ये जुआ और इसी तरह ये बहुत सारी बीमारियों का अल्लाह ताला ने ये बुतों के नाम पे जो ये किया जाता है वो सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया बयान करने के बात कहा कि ये सब रिज हैं, ये सब गंदगियाँ हैं ये सब हराम हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ये मिन मिनल शैतान ये सब शैतान के हथकंडे हैं जो इंसान को जो है फांस लेता है वो शैतान। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि फजत नो इससे बचो इससे दूर रहो इसके अंदर ना जाओ इसलिए किन कामयाबी की यही वजह है इंसान अगर दुनिया में भी कामयाब होना चाहता है आखिरत में भी कामयाब होना चाहता है तो इससे उसको परहेज करना पड़ेगा इससे उसको बचना पड़ेगा तो हाज़रीन इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये सारे जो हथकंडे हैं इंसान जो है आजकल बहुत सुस्त और काहिल नज़र आता है इंसान ये सोचता है कि बैठे बैठे उस वो अमीर बन जाए बैठे बैठे वो मालदार बन जाए उसको फुला मिल जाए फुला मिल जाए और इतना मिल जाए और उसके लिए बड़ी ऐसी जो मेहनती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करने वालों की तारीफ़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने वालों की तारीफ़ की अल्लाह रब्बुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ तिजारत करते हैं उन लोगों की तारीफ़ की ये सारे रास्ते छोड़ देते हैं ये सारे रास्ते छोड़ कर ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं ऐसा रास्ता अपनाना चाहते हैं जिसके अंदर ना कोई मेहनत हो ना उसका पैसा लगे ना उसका वक्त लगे वो मालदार बन जाए ये अल्लाह के नबी अल्लाह रब्लमिन ने कहा ये सब का सब शैतान की तरफ़ से होता है शैतानी वसव से होते हैं शैया शैतान के ख्यालात होते हैं बसा अवत इंसान इसके इंसार वजूहत के बुनियाद पर इसके ज़रिए से मालदार हो भी जाता है लेकिन ये माल उसके लिए कारैर नहीं बल्कि कार बन जाता है वह माल उसका पूरा का पूरा उसके अस्पतालों में उसके दवाओं में या फिर ऐसे ही ज़ाए हो जाता है बज़ाहिर चमक धमक बस उतना ही और कुछ नहीं है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि कामयाबी का राज अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बताया है, उसी में है और जिस चीज़ में कामयाबी नहीं है तो उसके अंदर हकीकत में हमारा ईमान है हमारा पूरा एतमाद है कि उसके अंदर हरगिज़ हरगिज़ कामयाबी बिल्कुल नहीं होगी हाजरीन तीसरी बुनियाद जिसको अल ने बयान किया उसमें रिबा का ख़ातिमा भी है हमारे कारोबार हमारे लेन-देन हमारे मामल ये सब का सब उसकी एक बुनियाद ये है कुछ उसके अंदर रिबा ना हो उसके अंदर सूद ना हो रिबा की तारीफ हम लोग जानते हैं रिबा की तारीफ जानते हैं रिबा का असल माना बढ़ोतरी का है बढ़ोतरी का है जो माल हमको हद से ज़्यादा मिलता है हमारी मेहनत से ज़्यादा मिलता है सब रबा के अंदर शामिल होता है अल्लाह रब्लम ने कुरान करीम में कहा कि वह वालाब शरीत ने ब को हलाल किया है वह हर रमर रिबा रबा को जो है हराम करार दिया है जिस भी कार जिस कारोबार के अंदर भी जिस कारोबार के अंदर भी जिस लेंदेन के अंदर भी रिबा अगर शामिल हो जाए सूद शामिल हो जाए वह सारे के सारे अल्लाह रब्लम के फरमान के लिहाज से हर रमर रबा के लिहाज से सब के सब हराम सब के सब हराम है हमने कई रास्ते ढूंढ लिए हैं इसको हलाल बनाने के बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग बहुत ही शाह व नादिर शाह व नादिर ना के बराबर ऐसे होंगे जो सूद से पाक होंगे रिबा से पाक होंगे और कई बहाने हम लोग बनाते हैं कहते हैं कि हमको माल मिलता नहीं है हमारा माल बग़ैर सूद के मिलता नहीं है एक साथ हम लोग उसको पैसे दे नहीं सकते हैं माल तो 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 हम लोग लाते ला लेते हैं ये सारे के सारे बहाने हैं बहाने हैं हम लोगों ने बहाने ढूंढ लिए हैं अल्लाह आलमीन ने कहा कि हर रमर रिबा रिबा हराम है तो हराम उसके बाद براني كريم كيك ایک اور مقام في الله رب العالمين کہا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ايمانوا والو الله سے ڈرو الله سے ڈرو الله کا تقوی اختيار کرو پرہیزگاری اختيار کرو وذرو ما بقي من الربا تمہارے पिछले जा, जमाने जाहिलियत में जो तुम सूद दिया करते थे जो तुम्हारा सूद का कारोबार था तुमने दे दिया था किसी को और उसके बाद तुम्हारा सूद आना बाकी है अल्लाह के नबी अल्लाह रबीन ने कहा वह मा बकिया मीना रिबा रिबा में से जो कुछ बाकी है सब छोड़ दो सब छोड़ दो अगर तुम्हारा कारोबार है भी रिबा पर सूद पर तुम्हारा कारोबार है भी तब भी तुम लोगों को छोड़ देना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन कन तुम अगर तुम्हारे अंदर हकीकत में ईमान है हक़ीक़ ईमानों में तुम मोमिन हो तो इस सूद को तुम छोड़ दो फिल्लम तफ़ालू कितनी सख्त वहीद अल्लाह ताली ने बयान की अल्लाह ने कहा कि फ़िल्म तफ़ालू अगर ऐसा तुम नहीं करोगे सूद को नहीं छोड़ोगे तुम्हारा बाकी मांदा आगे तिजारत करना तो मना है ही जिसमें तुम फंस चुके हो तुम्हारा पैसा लग चुका है तुम्हारा असल चाहे तो तुम उसको ले सकते हो लेकिन जितना सूद है सबको छोड़ना पड़ेगा अल्लाह ने कहा कि फैलू अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो फैनू तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की तैयारी कर लो और उसके के साथ जंग की तैयारी कर लो इन फलकुम लोकम तो अल्लाह आलमीन ने आगे कहा कि अगर तुम तोबा कर लिए हो रिबा से असल माल तुम हासिल कर सकते हो असल माल तुम्हारा ले सकते हो तुम लेकिन सूद नहीं ले सकते हो तो हाजरीन ये चौथी तीसरी असल थी जिसको शरीयत ने बयान किया था कि लेन देन के मामलात में इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है इसी बेस पर इस्लामी तालीमात आए हुए हैं उसके बाद चौथी चीज़ है धोखा और फ्रेब से बचना ज़रूरी है मामलात के अंदर धोखा फ्रेब अहादी इसमें कई अल्फाज आए हैं कुरान करीम में कभी तत्फीफ कहा तत्फीफ वहीलमुत उन डंडी मारने वालों के लिए कमो बेशी करने वालों के लिए वायल है हिलाकत है बर्बादी है वायल के दो माने किए गए हैं अहले इल्म ने कभी कहा अहले इल्म का एक माना यह है वायल का एक माना ये किए हैं कि एक जन्म के गढ़ों में से एक गढ़ा है वो जहनम के गढ़ों में से गढ़ा है वो गढ़ा उस गढ़े की और उस वेल की उसके लिए खुश उसके लिए आ, ये की गई है वाई बयान की गई है और इसी तरह बर्बादी के भी माने किए गए हैंदीन इदकनासीफ़ून जो लोगों से जब वज़न करते हैं लेने का मामला आता है मुकम्मल लेते हैं पूरे का पूरा लेते हैं व इदा कालो वज़न जब नाप कर उनको देते हैं तो कम कर लेते हैं कम कर लेते हैं तो उन सारे ताजिरों के लिए जो तिजारत के मैदान में है यह आयत बड़ी अहम है बड़ी अहम है जहन में रखना चाहिए उनको सिर्फ नाप तोल के मसले में ही नहीं सारे मामलात में पूरे हिसाबों किताब में हर चीज के अंदर डंडी मारना होता है किसी भी इसके अंदर कमी और ज्यादती अगर करते हैं तो ये डंडी होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब के लिए वह ईद सुनाई है अल्लाई का रब्लामी ने उन लोगों से कहा क्या उन लोगों को दोबारा उठाए जाने पर कोई भरोसा नहीं है क्या वो इसका यकीन नहीं रखते क्यों डंडी मारते हैं क्या उनको अल्लाह के पास जाकर हिसाब देना नहीं अल्लाह आलमीन ने सख्त वईद उनके लिए सुनाई कभी धोखे में जो अल्फाज आते हैं ग़श के अल्फाज आते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा मन गश् फलैसा मन्ना जो धोखा दे वो हम में से नहीं है जो धोखा दे वो हम में से नहीं नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गले के ढेर के पास जाते हैं और उसके अंदर अपना हाथ डालते हैं और देखते हैं कि ऊपर से गला तो सूखा हुआ है लेकिन अंदर जो है गले गला जो है गीला है भिगा हुआ है उस आ, फरोख्त करने वाले से तिजारत करने वाले से बेचने वाले से दुकानदार से कहते हैं ये क्या है भाई ये क्या है तुमने ऐसा क्यों किया ऊपर तुमने सूखा रखा है और अंदर जो है तुमने लोगों को धोखा देने का सामान बना रखा है लो, लोगों को धोखा दे रहे हो तो उसने कहा अल्लाह के नबी ये तो बारिश की वजह से भिगा हो गया था तो उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन गश्या, मन गश्या, फलैसा जो धोखा दे वो हम में से नहीं है अगर किसी चीज़ के अंदर जो चीज़ बेची जा रही हो उसके अंदर कोई अगर ऐब है वो सामान गीला है फटा है या कुछ भी उसके अंदर ऐब है तो उसको बता देना ज़रूरी है गाहक के सामने वाजे कर देना जरूरी है वरना वो धोखे के अंदर शामिल है और धोखा देना ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है लेन देन के अंदर एक अहम असल बनाई गई है कि धोखा नहीं होगा बहुत सारी अदीस इस ताल्लुक से हैं बहुत सारी रिवायत हैं कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजश कहा और कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्रियाँ कहा इस तरह की बहुत बेशुमार रवायात मिलती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लन दें के ताल्लुक से धोखा ना हो लोगों को आवाम को जो है कोई तकलीफ़ ना हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई देहाती लोग जो सामान उगा जो अनाज उगाते हैं वो अगर मार्केट में लेके आ रहे हैं मार्केट में लेके आ रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए तो जो बीच में दलाल होते हैं उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बयान की तुम लोग जो है इनको बाज़ार में आने से पहले रास्ते ही में जाकर उनको उनसे सामान को ख़रीद नहीं सकते खरीद नहीं सकते इसलिए कि बेचने वाले को धोखा है उस को है इसलिए कि बाजार का रेट वो जानता नहीं है बाजार में हो सकता है उसके सामान का रेट उसके अनाज का रेट ज्यादा हो लेकिन दलाल जो है रास्ते में उसको कम रेट पे ही खरीद लेता है और बाजार में आके उसको ज्यादा इसमें बेचता है धोखा होता है उसमें अल्लाह के नबी वसल्लम ने इस ताल्लुक से बेशुमार रिवायतें बयान की हैं बेशुमार बेशुमारहदीस हमको मिलती हैं कि धोखा नहीं होना चाहिए धोखा नहीं होना चाहिए एक सहाबी को तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई दिया था आम तौर से जब भी वो बाज़ार में जाते जब भी कोई चीज़ ख़रीदते तो लोग उनको धोखा देते वो भोले थे वो सहाबी भोले थे तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनको अल्फाज सिखाए कहा कि जब भी तुमसे किसी किसी के साथ मामला हो किसी के साथ लेन देन हो तो उससे कहना कि ला ख़िलाबा ला ख़िलाबा धोखा दही नहीं होनी चाहिए धोखा दही नहीं होनी चाहिए तो हाजरीन एक असल उन असलों में से ये है कि इंसान धोखे और फ्रेब से बचा रहे मामलत के अंदर और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे तनाज़ किसी चीज के अंदर किसी मामला के अंदर किसी के अंदर, अगर इख्तलाफात पड़ जाए तनाजो हो उसके अंदर अगर झगड़ा है तो ऐसे वक्त भी ख़रीदो फ़रोख से अल्लाह के नबी वसल्लम ने मना किया है बह के ऊपर बह करने से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने मना किया है और इसी तरह अल्लाह के नबी इन असलों में से एक असल ये भी है लेंदेन के अंदर इंसान को जिस बात का ख्याल रखना है उसमें से एक बात यह भी है कि इंसान जो है माहदे के अंदर अपने लेंदेन के अंदर मकासदे शराया शरीय की जो मकसदें हैं उसका ख्याल रखे उसको पामाल होने ना दे लोग जानते हैं आम तौर से शरीयत इंसान की शरीयत जो शरीयत का मकसद है इंसान की पांच चीज़ों की हिफाजत इंसान की पांच चीज़ों की हिफाजत उसके अंदर इंसान का इंसान का दीन है इंसान का नफ्स इंसान की अकल इंसान का माल और इंसान की नस्ल इंसान की नस्ल ये पांच चीज़ों की हिफाजत शरीयत इसकी जिम्मेदारी है और शरीयत का यह अहम मकसद है कि इंसान की इन पांच चीज़ों की हिफाजत हो लिहाजा हमारे लेन देन में हमारे लेन देन में हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि इन पांच चीज़ों में से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है किसी के दीन को तो नुकसान नहीं हो रहा है किसी की नस्ल में तो नुकसान नहीं हो रहा है किसी के माल में नुकसान नहीं हो रहा है ये शरीय की मकसदे हैं इन मकसदों का भी ख्याल रखना पड़ेगा इन मकसदों को शरीयत ने जो इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है इस तल्ल से कुर करीम की बहुत सारी आयतें अल्लाह रब्बुल रब्लमिन ने कहा मिन अजल आलिक नला बनी इसराइल इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह बात फ़र्ज की थी उन पर यह बात हमने लिख दी थी कि अला बनी इसराइल अन नन क़िला नफसम बर नफसन ओ फसादिन क्या अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कतल करता है या ज़मीन के अंदर फसाद फैलाता है फ़का अन नमा कतल अन ना सजमियाँ तो उसने पूरी इंसानियत को कतल कर दिया इंसानी जान की इतनी कदर करता है शरीय शरीय जो है इंसानी जान की इतनी क़दर करती है तो इंसानी जान को कोई धोखा ना हो हमारे लेन देन में इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और इसी तरह बेशुमार जान और माल के तल्ल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम के दीगर मकामात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलकुम फिल वकुम्फ़िलक़सा हया तुया उलबाप तुम्हारे लिए ए क़िसास में भी ज़िंदगी है और इसी तरह अल्लाह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा या अय्युहल लज़ीना ला अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इंसान के माल को जो है बातिल तरीक़े से ना खाओ यानी इंसान की इन पाँच चीज़ों की शरीयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पुख्तगी के साथ बहुत तशद के साथ अल्लाह रबीन ने शरीयत ने हिफाजत की है तो हमारे लेन-देन में इसको ठेस नहीं आनी चाहिए इन पाँच चीज़ों को ठेस नहीं आनी चाहिए तो हाजरीन ये चंद चीज़ें थी जो हम लोगों को लेन देन के वक्त इन बुनियादों का ख्याल रखना ज़रूरी था हाजरीन एक दूसरी चीज़ थी हमारे पास हकूक इबाद ये भी मामलात में इसको भी दाखिल किया जाता है हसर हम हकूकल्ला को तो बड़े अच्छे अंदाज़ में अदा कर देते हैं हकूक इबाद को हम लोग पामाल कर देते हैं हक़ूक इबाद भी हमारे लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे हकूक़ाल्ला ज़रूरी है कभी बसा अवतुक़ल्ला के अंदर अगर कोई हक़ तलफी कमी हो जाती है उसका मामला अल्लाह ताला के साथ होता है बंदा अल्लाह आलमीन के बारगाह में हाथ उठाता है गिड़ गिड़ाता है माफ़ी मांगता है तो अल्लाह आलमीन के हाथ में अल्लाह चाहे तो उसको माफ़ कर दे लेकिन हुकूकुल इबाद ऐसे नहीं है हुकूकुल इबाद ऐसे नहीं है हुकूकुल इबाद में माफी के ताल्लुक से बंदे का भी पूरा ये है उस बंदे से भी जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर उसका हक़ छीना है तो उसको अदा करना पड़ेगा अगर उसकी इज्जत से खेला है तो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी ये सारे बंदे का भी ताल्लुक है लिहाजा इसकी भी बड़ी अहमियत है बड़ी अहमियत है तो हकूक इबाद को मामूली न समझें हकूक इबाद को मामूली न समझें यही वजह है कि शरीयत ने शरीयत ने हुकूक के ताल्लुक से बंदों के हुकूक के ताल्लुक से शरीयत ने बड़ी लंबी फहरिस्त बयान की है अगर हुकूक में अगर सबसे सबसे हमारे करीबी जो होते हैं माँ बाप हैं माँ बाप के कितने हुकूक शरीयत ने बयान की है शरीयत ने बयान किए रिश्तेदार हैं रिश्तेदारों के हुकूक बयान किए और हमारे माशरे के अंदर हमारे साथ में पड़ोसी होते हैं पड़ोसियों के क्या बयान किए शरीयत ने और हमारे साथ में मिलने जुलने वाले अतराफ में मुसलमान भाई होते हैं मुसलमानों के अलग से हुकूक बयान किए शरीयत ने और इसके अलावा आम इंसान के लिहाज से सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है सारे लोगों के हकूक़ बयान किए यहाँ तक के शरीत ने हमको हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ जान वर भी होंगे जानवरों के बयान किए जानवरों के बयान किए जिस माशरे में हम लोग रहते हैं चलना फिरना होता है रास्ते होते हैं रास्तों के हकूक बयान किए किएक की लंबी फेरिस शरीय इस्लामिया के अंदर मौजूद है इस सब के सब हकूक इ इबाद में आते हैं तो इतना सारा शरीयत ने बयान किया मामल के ताल्लुक से अगर हम लोग कुरान करीम को जानें तकरीबन तीन सौ सत्तर आयतें कुरान करीम के अंदर मामला पे अल्लाह रब्बुल ला आलमीन ने नाजिल की हैं मामलत पे नाजिल की हैं शरीयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदीस अहादीस इतनी ज़्यादा हैं इतनी ज़्यादा हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामल पर इबाद पे बयान किए हैं कि दूसरों के साथ हमारे साथ बीवी के साथ हमारा बर्ताव कैसा हो माँ बाप के साथ हमारा बर्ताव कैसा हो पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव बर, कैसा हो बड़ी लंबी फहरिस्त है ये एदीस बयान करेंगे वक्त ना काफ़ी होगा लिहाजा अलगर्स मैं बस इतना बयान करना चाहता हूँ इतना बयान करना चाहता हूँ कि हकूक इबाद को, को मामूली न समझें हकूक इबाद को मामूली न समझें मामलों को मामूली न समझें बल्कि हमारी तो जितनी इबादत के ऊपर हो हमारी तो जितनी अकायद पर हो उतनी ही तोह हमारी मामलत तो और अकायद मामलों और माशरत पर भी होनी चाहिए हुकूक इबाद पर भी होनी चाहिए वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने खुदब मसनू के बाद पढ़ी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा सहाबा क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हमारे अंदर हमारे दरमियान मुफलिस गरीब कंगाल आदमी वो है जिसके पास ना कोई दिरहम हो ना कोई सामान हो अल्लाह के नबी वसम ने कहा कि बिल्कुल नहीं मुफलिस हकीकत में हकीकी मुफलिस वो है जिसने कियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो आया हो आने के बाद जिसके पास नमाजें भी हो जिसके पास रोज़े भी हो जिसके पास ज़कात भी हो ज़ ये कि ढेर सारी इबादतें ढेर सारी इबादतें करके लाया हो वो उसके पास मौजूद हो और साथ ही साथ वो मामलात के अंदर नाकिस रहा हो किसी को उसने गाली दी है किसी का हक़ छीना है किसी को उसने मारा है ये सारे वो मामलात के अंदर नाकिस हो के भी आया है मामलात इबादत में पुख्ता हो के आया और मामला में नाक़ हो के आया ऐसा इंसान मुफलिस है अल्लाह के नबीम ने कहामत के दिन इसकी जितनी नेकियां हैं नमाजें हैं इसके रोजे हैं इसके ज़क़ात हैं सब लिया जाएगा उसको दे दिया जाएगा जिसको इसने गाली दी थी जिसको इसने मारा था जिसको इसने सताया था जिसका माल इसने छीना था उनको दे दिया जाएगा बांट दिया जाएगा जब इसकी नेकियाँ ख़त्म हो गई और लोगों का हकूक इबाद यानी मामल के अंदर ना इसका नक्स अभी भी बाकी है तो उन लोगों के गुनाह लेकर इसके ऊपर लाद दिया जाएगा अल्लाह के नबी वसल्लम तो ने कहा कि यह हकीक़ी मुफलिस है यह हकीकी मुफलिस है हम लोगों को भी समझ में आता है कितना बदनसीब होगा वो शख्स दुनिया में इतनी मेहनत करके फजर में अपनी प्यारी नींद को छोड़ के वो नमाज पढ़ा होगा भूख प्यास बर्दाश्त करके वो रोज़े रखा होगा उसके बावजूद भी क्यामत के दिन उसके हाथ कुछ ना आए कुछ ना आए इतनी मेहनत करने के बाद हकीकत में यकीन ये बड़ा ही बदनसीब शख्स है बड़ा ही बदनसीब शख्स है हजरीन मामला को मामूली न समझो मामला को मामूली न समझो इस हदीस से इस हदीस से हमको मालूम पड़ता है कि मामला हमारे लिए कितने अहम हैं वरना हमारी सारी इबादतें गई हमारी सारी इबादतें दूसरे लेके चले जाएंगे क़यामत के दिन हमें बस अफसोस ही मलना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमारे दीन दुनिया दोनों को सुधार दे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मामलत के अंदर खरा नसीब करे अल्लाह रब्बुल आलमीन मामलात के अंदर हमको साफ़ होने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को नेक तौफीक नसीब फरमाए आमीन व मालबाबी असल रहा ورحمة الله وبركاته